सुबह का वक्त है, वह लड़का अपने डेली का काम करता है और उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। उसने ठाना कि अपने आप को बदलने पर और एक दिन मैं अपने घर में बड़ा हूँ। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ा हूँ और मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी छोटी बहनें भी हैं। वह एक नहीं, तीन हैं। उनका नाम है तमन्ना, अंजलि और रिंकू। उनके लिए शादी के लिए मुझे कुछ करना है। मुझे अपने आप को साबित करना है। मेरे माँ बाप बहुत गरीब से लेकर आज तक हमें कैसे पाला मुझे ही मालूम है। मुझे अपने परिवार को एक आदर्श भाई और एक आदर्श बेटा और आदर्श इंसान बनना है। मेरे माँ बाप मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए। मेरा एक छोटा भाई है, उसकी उम्र 15 साल है। वह अपने एक काम के लिए घर छोड़ के चला गया। वो एक साइंटिस्ट है और वह अपने आप को बदल दिया। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया। मैं घर का बड़ा होने के बावजूद मैं अपने फर्ज भूल गया। मैं गलत रहा पे चला गया। मेरे माँ बाप, मेरी बहनों ने मुझे बहुत से ताने दिए। मेरे को बोला, भाई, मेरी तीनों बहनों ने, तीनों में से जो मेरे से दूसरे नंबर की बहन है, उसने कहा, भाई, तुम माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा छोटा भाई जो तुमसे, मुझसे और दूसरी बहन से छोटा है, वो 15 साल का है। वो बाहर अपना खर्चा झेल तो रहा है, साथ में हम लोगों के लिए भी वो काम करता है। आप क्यों नहीं करते? उसने जितना करना था उसने किया, पर आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा, बहन, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूँगा। मैंने ये जवाब अपनी बहन को दिया। मेरी बहन ने बोला, भैया, एक दिन इसी चीज़ के लिए पछताओगे। मेरे को जब मालूम पड़ा कि मेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैंने उस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है। एक लड़की का मेरे पास अचानक से कॉल आया कि तुम्हारे भाई के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उसकी गाड़ी में किसी ने बम लगा दिया था, जिसके कारण उसका वो मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहा है। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरे भाई को किसी ने जान से मारने की कोशिश की, उस दिन मैं शॉक हो गया। मैं ना इधर का रहा ना उधर का। मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या हुआ। मैं वहीं शांत एक जगह
दबा हुआ सिजक सिजक के रो रहा था। अचानक से मेरे माँ बाप मुझे बोले, जा अपने भाई को तो देख उसके साथ क्या हुआ। मुझे मालूम उसी टाइम होश आया और उसी टाइम मैंने एक टैक्सी की। टैक्सी करते ही मैं वहाँ से तेज़ी से बोला टैक्सी वाले को, भाई हॉस्पिटल लेके चल, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। वो बोला, कौन से हॉस्पिटल? उसका नाम था जम हॉस्पिटल, जो जापान का नंबर वन हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में हम गए, मैं गया, मैंने पूछा, मैं सिस्टर मेरा भाई। सिस्टर ने बोला, अपने भाई का नाम तो बताइए। मैंने बोला, जिसके साथ अभी हादसा हुआ है। वो कहाँ है? उन्होंने बोला, सेकंड फ्लोर पे जाइए, आईसीयू में है वो लड़का। वो सिस्टर ने बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने बोला, अभी नाम बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने भाई को देखना है, मुझे अपने भाई को देखना है। मैं भागते भागते ऊपर सेकंड फ्लोर पे गया। जब मैंने आईसीयू में अपने भाई को देखा, मेरा दिल वहीं बैठ गया। मेरे दिल में इतने शोले जल रहे थे कि मैंने अपने भाई की एक एक बात, अपनी बहनों की एक एक बात, जब मेरे उसी दिन मेरे दिल पे लगने लगी कि उसने कहा, भाई एक दिन ऐसा आएगा कि मैं शायद रहूं या ना रहूं, तुम क्या करोगे? हैं, मैं तो अपना फ़र्ज निभा रहा हूं, भाई तुम्हें भी तो अपना फ़र्ज निभाना है, क्यों माँ बाप के लिए इतना बोझ बने हो? मैंने बोला, भाई टेंशन मत ले, मैंने जो काम किया है उसका बस परिणाम आने दे, तुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। बोला, भाई तू जो भी कर रहे हो पर गलत काम मत करना। मैंने बोला, भाई तुझे मालूम नहीं मैंने जो किया वो बहुत अच्छा ही किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तू मुझे अच्छे से जानता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को परेशानी में नहीं देख सकता। एक दिन तुझे एक बात बतानी है, जब मैं उस वक्त, कुछ वक्त पहले की बात बताता हूँ, जब मेरे भाई मेरा साथ था, वो संडे का वक्त था, मेरा भाई मेरे से बोला, भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने बोला, भाई मैंने एक काम किया, मैं एक छोटा सा जॉब कर रहा हूँ एक वेटर का, जिसको मैं अपने बारे में ना तुझे, ना अपनी मम्मी, ना अपनी बहनों को, किसी को नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं बता दूँगा तो मुझे बुरा लगेगा, मेरी बहनें मेरे को चाहती हैं एक अच्छा काम करूँ, मेरा भाई ये छोटा मोटा काम ना करे। मैंने यही सोच के बहनों को कुछ नहीं बताया। मेरा भाई, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे एक बड़ा इंसान और तेरे लिए और अपनी बहनों के लिए कुछ कर गुजरना है। मुझे मालूम है मैं एक छोटा सा वेटर ही क्यों ना हूँ, मैं तेरे लिए एक अच्छा इंसान और अच्छा भाई बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मुझे अपने फर्ज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है मेरे भाई तू बहुत कुछ करोगे। छोटा भाई बोला, भाई एक छोटी सी बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? भाई तुमने ये काम कर रहे हो, प्लीज़ एक बार मम्मी पापा को तो बता दो, वो तो सोचते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। मेरे भाई, मैं बताना तो चाहता हूँ पर एक अच्छा इंसान बनने से पहले मैं एक बड़ा इंसान बन जाऊं। मैं अपने माँ बाप की हर कमी को दूर करने के लिए, मैं अपने आप को बदलने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। लेकिन एक छोटी सी बात तुझे बताना है कि एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की तेरे भाई को पसंद आ गई है। मैंने उसे इसी जॉब में पसंद किया है क्योंकि वो भी एक गरीब घर की है, पर वो बहुत सुंदर और अच्छी लड़की है। मैंने उसके बारे में पता किया, मेरे को मालूम नहीं था कि वो एक ऐसी लड़की है, उसका आवाज़ मुझे बहुत
सुंदर सुरीला लगा। भाई क्या बात है, भाभी का नाम मालूम है? मैंने बोला, भाई अभी तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो मुझसे सिर्फ एक दोस्त के नाते बात करती है। मुझे उसकी फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने बस यही जानता हूँ कि मैं अपने भाई के लिए कुछ करूँ। मैंने जब उसे पहली बार देखा तब ही से मेरा मन उसके लिए, दिल जान सब मैं चाहता तो उसे दे सकता। पर उसने कहा, लेकिन आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या आप अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ सकते हो? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, क्यों? मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या तुम अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ दोगी? बोली, नहीं। क्यों? मैंने पूछा। मैंने ये भी पूछा कि जब तुम अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने परिवार को क्यों छोड़ दूँ? उसने कहा, मुझे तुम्हें एक बात ज़रूर बताऊंगी। किसी दिन एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम्हें एक रियलाइज मैं कराऊंगी कि तुम कितने अच्छे इंसान व्यक्ति बन रहे हो। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ, तुम मुझे जानते नहीं। मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ती थी। मैंने कहा, क्यों? मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा क्या, मैं अपने क्लास के किसी भी व्यक्ति को जानता तो नहीं, क्योंकि मैं अपने क्लास में किसी से बात ही नहीं करता था। बेशक मैं उस टाइम पढ़ने में बहुत